सो गाइस, एक सलमान खान की मूवी आई थी, सबको याद होगा, अगर एक था टाइगर के नाम से, वो कैटरीना कैफ के साथ। उसके अंदर एक फाइटिंग सीन था सिटी के अंदर, जिसके अंदर वो एक दूसरे एजेंट से फाइट कर रहा होता है और ट्रेन के ऊपर चढ़ के लड़ता है और ऐसे ऐसे। तो दिस वाज द ट्रेन, यहाँ पे उसको लुइस और ट्रैम बोलते हैं। तो यही वो ट्रेन थी जिसके अंदर उनका फाइटिंग सीन था, और इस ट्रेन की हालत उस टाइम पे काफी खराब हो गई थी। हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ही होंगे। एनु की भी गुड मॉर्निंग हो गई है ना? एनु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एनु। सो गाइस, आज का मेरा है कि हम सिटी जाएंगे घूमने के लिए, और पर उससे पहले मेरी ड्राइविंग लेसन्स हैं। सो लाइक आयरलैंड में आपको लर्नर लाइसेंस लेने के बाद आपको एक 12 लेसेंस लेने पड़ते हैं, चाहे आपको आती है गाड़ी या नहीं आती है, डजेंट मैटर। ओ या अगू, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, कहाँ गई? तो आपको 12 लेसेंस लेने पड़ते हैं, तो आज मेरे 2 लेसेंस हैं। होपफुली अब मैं जल्दी गाड़ी गाड़ी चलाने लगूंगा, और फिर हम एनु और हम घूमने जाएंगे, है ना एनु? है ना एनु? घूम जाएंगे। कोई नहीं है यहाँ पे, आराम से सोफे पे चढ़ के बैठा हुआ है और न्यूज का मजे ले रहा है। हाँ भाई, क्या हो गई है? तू उदास है? क्या हो गई है? सब ओके? लाइफ में सब सही चल रहा है? तू अकेला क्यों बैठा है? लेट्स गो। सो गाइस, दिस वाज द कार जहाँ पे मैं गाड़ी सीखने वाला हूँ। आगे मैं सॉरी नहीं बना पाऊँगा, मिलता हूँ आपको आगे। सो गाइस, मेरा लेसन्स तो हो गए, 2 लेसन्स, बहुत ही बढ़िया थे। और जेनुइनली बोलूँ, इंडिया और यहाँ की ड्राइविंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मैंने इंडिया में चलाई है, बट मुझे लग रहा था कि मैं दोबारा से सीख रहा हूँ ना सब कुछ। पर अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंडिया में बोलते हैं एक हाथ से गाड़ी चलाना सीखो, यहाँ पर बोलते नहीं दोनों हाथ पकड़ के चलाओ, या इस तरीके से। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी रूल्स रेगुलेशन में तो ऑब्वियसली डिफरेंस है। इंडिया में ऐसा नहीं कि इंडिया में रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इट्स जस्ट कि हम मानते नहीं हैं। ठीक है, तो बस, बट मज़ेदार था। तो अब हम जा रहे हैं सिटी सेंटर। राइट नाउ वी आर एट द सेंट स्टीफन ग्रीन्स। ये यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट है, और सेंट स्टीफन ग्रीन पार्क है। इसका भी अंदर कभी चलेंगे अंदर। हम मोरे स्ट्रीट आ चुके हैं गाइस, चलते हैं अब यहाँ पे अंदर। भाई ये देखो, इस तरीके से छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और हाँ मतलब चीपर रेट में अच्छे वेजिटेबल फ्रूट्स सब मिल जाते हैं। और ये देखो साइड में फ़ोन रिपेयरिंग, न्यू फ़ोन, वही मतलब बताइए, बाकी तो आपको गफ्फार वाला हिसाब। तो हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे बड़े ही अच्छे और चीप प्राइस में मिल जाती है। लुक एट दिस,
चलो सो फोन कवर नहीं मिला फाइनली हमें, यहाँ हेक्टिक था, बहुत हेक्टिक था। अगर डबलिन से यहाँ पे जो भी हमें देख रहा है और जिसको नहीं पता थी ये शॉप और अब पता है यहाँ की मार्केट, तो भाई यहाँ पे जब भी आओ जेब में कैश ज़रूर लेकर आना, क्योंकि यहाँ पे 90% ऑफ शॉप्स जो हैं सिर्फ कैश एक्सेप्ट करती हैं। एंड और यहाँ पे मतलब जो ये दूसरी शॉप्स हैं अदर्स हैं, यहाँ पे कैश बैक भी नहीं मिल रहा है। तो यू नो फाइनली कवर तो हमने ले लिया, बट फिर जिस हिसाब से सोचा था वो नहीं मिला। बट कवर काफ़ी क्यूट है, दिखाएगी पहले एक बार सबको, या काफ़ी क्यूट सा कवर मिला है। सो ठीक है, अच्छा रहा। और बहुत टायरिंग था क्योंकि हम फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कैश नहीं लगता और आजकल सब कुछ कॉन्टैक्ट से होता है। हाँ, और हमने एक्चुअली क्या था कि हम कार्ड भी नहीं लेकर आए थे, क्योंकि फ़ोन से ही पे हो जाता है तो कार्ड की जरूरत पड़ती नहीं है ना, यू नो फालतू में लेके क्यों घूमते रहना उसको, तो हमने नहीं लिया था। बट मुझे लग रहा है कि हमारा वो यू कैन टर्न इट अराउंड, लुक एट द बैक व्यू, ये डबलिन सफायर है और ये पूरी ओकोनल स्ट्रीट है, बेसिकली बिजी। ओयो लेट्स गो, सो वी आर गोइंग बैक टू होम नाउ। शॉपिंग हो गई, सब कुछ हो गया, थक गए पड़े थे। हाँ, क्योंकि चलना बड़ा पड़ता है यार टाउन में ना, यहाँ से वहाँ तक। इस मामले में इंडिया अच्छा है ना, हम लोग मतलब सीधा ऑटो में बैठो और घूम कहीं भी चलो, या वो ई रिक्शा जो आजकल स्टार्ट हो गया इंडिया में, वो मस्त है, वो मुझे बड़े सही लगता है। इस टाइम हम ऊपर बैठे हैं, सो दैट्स रिवर लिफी एंड टाउन, सो वी आर गोना से गुड बाय टू द टाउन एंड वी आर हेडिंग बैक होम। स्वान्स भी आए हुए, लुक एट दैट। सो इट्स अ रैप गाइस, सो दीज आर डबलिन बसेस। So, goodbye. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, like, share, comments and you subscribe our channel.